मस्जिद में अगर किसी ने चंदा देना हो तो वो मस्जिद के डब्बे में नहीं जाता, वो अपना नाम एंट्री करवाता है कि भाई मेरे नाम लिखो सबसे ऊपर, 5,000 रुपए मैं मस्जिद में महाना दूंगा, मेरा नाम लिख दो। आपने देना है मस्जिद के डब्बे में डाल दो, नहीं नाम लिखवाना है। अगर थोड़ा देगा, 100 रुपए देगा, वो कभी नाम नहीं लिखवाएगा, वो मस्जिद के डब्बे में डाल के चला जाएगा। लेकिन जो 5,000 रुपए देगा वो मस्जिद में जो है वो नाम लिखवाएगा अपना अलग से कि मेरा नाम लिखो, सबसे ऊपर लिखना मेरा नाम, सबसे ज्यादा मैं देता हूं। तो ये हमारे जो अल्लाह के लिए करते हैं ये अल्लाह के लिए नहीं होता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि जिसने किसी शख्स को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने किसी को दिखाने के लिए सदका दिया उसने शिर्क किया, जिसने किसी को दिखाने के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم चांद के मुताबिक इस वक्त दूसरा महीना चल रहा है जिसे सफर का महीना कहा जाता है। हमारे मुआशरे के अंदर बाज़ लोग ऐसे हैं जो इस महीने को मनहूस समझते हैं, बाज़ लोग सफर के महीने को मनहूस समझते हैं, और कोई भी ऐसी चीज जो मुकर्रम हो या जो बरकतों वाली हो उस चीज को सफर के महीने में नहीं करते। जैसा कि लोग सफर के महीने में शादियां नहीं करते, इसकी वजह यह कि वो इस महीने को नहूसत वाला महीना समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि सफर का महीना, इस महीने के अंदर आसमान से नहूसतें बरसती हैं। हालांकि इस बात की कुरान और हदीस से इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता कि सफर का महीना मनहूस है। इस्लाम ने हमें कुछ दिनों के बारे में यह तो बताया है कि ये दिन मुकद्दस हैं, जैसे रमजान का महीना ये मुकद्दस है, 15 शाबान की रात ये मुकद्दस है, और ज़िलहिज्जा की रात, ईद उल फितर की रात ये मुकद्दस हैं। तो मुकद्दस रातों के बारे में तो बताया गया है, लेकिन उनके अलावा जितने भी दिन हैं वो सब एक जैसी हैसियत रखते हैं, उनमें ना कोई मनहूस है और ना ही कोई ऐसा दिन है जिनमें अल्लाह पाक जो है आसमान से नहूसत अल्लाह पाक नाजिल करते हैं, माज़अल्लाह ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। और बाज़ लोग सफर के महीने में बहुत सारी बातें हैं, इल्म ना होने की वजह से इतनी सारी बातें बना ली कि सफर के महीने में नया घर नहीं लेना चाहिए, सफर के महीने में घर में अगर कोई काम हो वो काम नहीं करवा सकते, सफर के महीने में आप नया जोड़ा ना लें क्योंकि आप जो भी करेंगे उसमें नहूसत आ जाएगी, फिर वो सारा साल जो है वो नहूसत आपके साथ चलेगी। सफर के महीने में आप कोई सफर ना करें क्योंकि वो सफर फिर आपके लिए नहूसत वाला साबित होगा। ऐसी बहुत सारी बातें, इनका ताल्लुक इस्लाम से और शरीयत से नहीं है, ये लोगों की जाहिलाना बातें। अगर किसी का मसलक या अकीदा है तो वो उसका मसलक है, हमारा ये ना अकीदा है ना ही हमारा इस पर ईमान है। लोग कहते हैं सफर के महीने में शादी नहीं करनी चाहिए, अगर शादी कर ली तो फिर वो शादी कामयाब नहीं होगी, अगर वो शादी कामयाब हो गई तो फिर मियां बीवी में आपस में मोहब्बत नहीं होगी, अगर मोहब्बत हो गई तो फिर उनकी औलाद नहीं होगी, और अगर औलाद हो गई तो वो नाफरमान होगी। ये बातें लोगों ने बनाई हैं। आप अलैहिस्सलाम की लख्त जिगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत अली अल मुर्तजा से सफर के महीने में हुआ,
अब कोई ऐसा जोड़ा दिखाओ जो इनसे ज्यादा ज्यादा जो है वो कामयाब हो। इन्होंने कहा कि अगर शादी हो गई तो कामयाब नहीं होगी, कोई इनसे ज्यादा कामयाब शादी किसी की है? कहा कि बीवी मियां बीवी भी आपस में जो है मोहब्बत नहीं होगी, तो इनकी क्या आपस में मोहब्बत नहीं थी? औलाद नहीं होगी तो क्या इनकी औलाद नहीं हुई? औलाद नाफरमान होगी तो आप बताओ कि इमाम हसन और इमाम हुसैन से ज्यादा तकवे वाले और दीनदार कोई आप दिखा सकते हैं? तो ये सारी बातें जो हैं हम मुसलमानों की नहीं है, ये आप अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर कुफार ऐसी बातें किया करते थे कि फला महीना मनहूस है और फला महीना बरकतों वाला है। कोई भी महीना मनहूस नहीं है, कोई भी शख्स अपनी जात में मनहूस नहीं है। हत्ता कि हदीस पाक में आता है कि उल्लू भी मनहूस नहीं है। उल्लू को बहुत लोग मनहूस के कहते हैं, उल्टा लटका हुआ है, ये वो बातें बना ली हैं। हदीस में आता है कि उल्लू भी मनहूस नहीं है। तो कोई भी चीज इस्लाम ने बजाते खुद उसको मनहूस नहीं कहा कि ये चीज मनहूस है या नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिस चीज को मुआशरे के अंदर बुरा समझा जाए और वो बुरी ना हो, तो हमने जो हम जो उनको बुरा नहीं समझते, हमने ये कोशिश करनी है कि हम उसी वक्त के अंदर वो चीज लाजमन करें जिस चीज से मना किया जा रहा है। मसला ये कि हमारा भी इतना अकीदा मजबूत नहीं हुआ हुआ था, हमारा भी ईमान इतना मजबूत नहीं हुआ हुआ था कि हम भी जो है उनकी मुखालिफत कर सकें। घंटे घंटे का बयान सुनने के बाद, डेढ़ घंटे का बयान सुनने के बाद कि सफर का महीना मनहूस नहीं है, नहीं है। आवाम बैठी होती कहती है सुभान अल्लाह माशाल्लाह, फिर जब बाहर निकलते हैं उनसे कहा जाता है कि अब सफर का महीना आ रहा है, आपके लड़के का रिश्ता भी हो चुका है, आप उसका निकाह सफर के महीने में करवा दें। वो कहता है कि नहीं, मनहूस जो है उसकी नहुसत तो बहरहाल है। क्यों? क्योंकि हमारा अपना जो है अंदर जो है इस चीज से अभी तक पाक नहीं हुआ। बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान जब ले आए तो बनी इसराइल के जो आसपास जितनी भी बस्तियां होती थी वो सब गाय की इबादत करती थी। जिस तरह आज कुछ हिंदू, सारे नहीं बल्कि कुछ हिंदू ऐसे हैं जो गाय की इबादत करते हैं, इसी तरह ये अकीदा आज का नहीं है बल्कि बनी इसराइल के जमाने में भी गाय की इबादत की जाती थी। अब जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन पर तौहीद की दावत पेश की तो उन्होंने कबूल तो कर ली, लेकिन उनका इम्तिहान अल्लाह पाक ने इस तरह नहीं लिया कि आप ये कहो कि गाय महबूद नहीं है, गाय जो है खुदा नहीं है। सिर्फ ये इम्तिहान नहीं लिया बल्कि अल्लाह पाक ने उनको गाय जिबा करने का हुक्म दिया ताकि तुम्हारे अंदर अगर कोई निफाक या अगर कोई अभी भी गाय के महबूद होने के हवाले से कोई अभी भी जो है रंजिश हो, अकीदा हो, वो जड़ से खत्म हो जाए और उनके अंदर अभी भी उस गाय की मोहब्बत ही। आप कुरान पाक खोले पहले सिपारे के अंदर वो पूछते हैं कि वो गाय किस तरह की हो, वो सिर्फ टालने की कोशिश करते रहे कि पहले पूछा कि गाय किस तरह की हो। अब मूसा ने साथ उसने फरमाया कि फारिगुन वला बिक्रुन, कि वो ना बूढ़ी हो और ना वो कम उम्र की हो। फिर पूछा कि उसका रंग किस तरह का हो तो फरमाया कि वो उसका रंग पीला हो, फाकुन और चमकीला हो और देखने वालों को फरहत महसूस होती है उसको देखकर। फिर वो टाल बटोलने की कोशिश में फिर उन्होंने पूछा कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो गाय कैसी हो। फिर अल्लाह पाक ने आयत नाजिल की कि वो गाय ऐसी हो कि जिसने कभी खेत को पानी ना दिया हो, ना किसी जमीन को उसने खोदा हो और ना ही जो है उसके जिस्म पर जो है कोई दाग धब्बा हो। फिर जब सारी अल्लाह पाक ने वजाहत कर दी तो फिर उनके सामने एक ही गाय बची और वो वही गाय थी जिनको ये लोग जिससे ज्यादा मोहब्बत रखा करते थे। तो जो चीज उनके दिलों के अंदर थी अल्लाह पाक ने उन्हीं उसी चीज को जबा कर कहा कि जिसको तुम माबूद समझते हो तो उसी पर छुरी चला के
तुम ये ऐलान करो कि हम अल्लाह के अलावा किसी को माबूद नहीं समझते। इसी तरह सफर के महीने के अंदर जो लोग शादी नहीं करते तो जो शादी करते हैं वो इस चीज की मुखालिफत करके दिखाते हैं कि हम सफर के महीने को मनहूस नहीं समझते। मैं नहीं कहता कि आप पूरे साल की शादियां जो है सफर के महीने में कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप शादी करने की कोशिश में हैं और सफर का महीना लग रहा है तो उसको बिला वजह तर्क ना करें कि सफर के महीने में नहीं आगे चल के कर लेंगे। ये फिर वही जो है जरासीम हमारे दिलों के अंदर होंगे जो कुछ लोगों के अंदर है। सफर का महीना मनहूस नहीं है। बाज लोग ऐसा समझते हैं, वो उनका अपना मसलक और उनका अकीदा है। हमारे यहां सफर का महीना मनहूस नहीं है। हमारे एक दोस्त की मेरे एक दोस्त की शादी हुई सफर के महीने के अंदर। तो उनके मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग रहते थे, उन्होंने बातें बनाना शुरू की कि इसने सफर के महीने में शादी की है, अब आगे चल के इनका रिश्ता तो वैसे भी कामयाब होना नहीं है। ये मेरी अपनी आंखों देखी बात है कि इनका रिश्ता अभी कामयाब होना नहीं है, इनकी तलाक हो जाएगी। कुछ अरसा चला, उनकी आपस में मियां बीवी की सही से अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, लेकिन औलाद में 2-3 साल ताखीर हो गई औलाद। फिर लोगों ने बातें बनाना शुरू की, देखा हमने तो पहले ही कहा था कि सफर का महीना मनहूस है, देखो इनकी औलाद ही नहीं होगी भी नहीं औलाद। जब ऐसी बातें आना शुरू हुई तो अल्लाह पाक ने उनको औलाद दे दी, और एक नहीं 2-2 हैं। और उसने इसी अकीदे और इसी जो है बुनियाद को खत्म करने के लिए सफर के महीने में शादी की कि लोग इसको मनहूस समझते हैं, इस रिवायत को खत्म किया जाए। तो ये जो गलत फहमी किसी महीने या किसी दिन के हवाले से है कि फला दिन मनहूस है, भाई कोई भी दिन कोई भी महीना ऐसा नहीं है कि बाकी पूरे साल के जायज आमाल उसमें नाजायज हो जाएं, और कोई भी दिन कोई भी महीना ऐसा नहीं है कि बाकी साल के नाजायज आमाल और हराम आमाल उसमें जायज और हलाल हो जाएं। कोई भी ऐसा नहीं है। तो इस चीज से जो है हम परहेज करें। दूसरा ये कि हमारे जहन के अंदर ये सवालात पैदा होते हैं कि फला के घर से खाना आया, फला के घर से कुछ पीने का सामान आया, इसको हम खा सकते हैं नहीं खा सकते। इस पर कुरान पाक की वजाहत यह है, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह। कुरान पाक फरमाता है जिस चीज पर अल्लाह के नाम के अलावा अगर किसी का नाम लिया जाए तो वो आपके लिए हराम है। जो अल्लाह की रजा के लिए, जिस तरह हम बकरा ज़बह करते हैं, गाय ज़बह करते हैं, मुर्गी ज़बह करते हैं, अगर वो अल्लाह के नाम पर आपने ज़बह की तो वो आपके लिए हलाल है। पर अल्लाह का नाम नहीं लिया या किसी और का नाम लिया, चाहे वो अल्लाह का नबी ही क्यों ना हो, चाहे वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा वली ही क्यों ना हो, लेकिन अगर अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम पर आपने कुछ भी दिया अल्लाह के रास्ते में तो वो आपके लिए खाना उसका हलाल और जायज नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ईसाले सवाब का इनकार है। ईसाले सवाब ये एक अलग चीज है। जिस तरह आपने अपने घर में बिरयानी की देग उतरवाई और आपने इस नियत से उतरवाई कि इसका सवाब मेरे वालिद साहब को जाए, या इसका सवाब अहम्मा अहले बैत को जाए, या इसका सवाब फला सहाबी को जाए, तो ये ईसाले सवाब है और 100% जायज है, ये नाजायज नहीं है। लेकिन आपने वो देग उतरवाई ही उनकी रजा के लिए, इसमें अल्लाह की रजा मकसूद नहीं है, तो ये चीज कुरान पाक के रूह के खिलाफ है। अल्लाह पाक फरमाते हैं गैरुल्लाह के नाम पर जो भी दिया जाएगा उसे लेना उसे देना दोनों हराम है। बाज लोग इसकी तफसीर गैरुल्लाह की कुछ इस तरह करते हैं कि गैरुल्लाह जो है अल्लाह के दुश्मन को कहा जाता है। एक बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी बहुत सी खिदमात हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हवाले से वो गुस्ताखी हराम समझते हैं, अगरचे उनका मसलक कुछ और है, लेकिन उनकी खिदमत
उनकी खिदमात ये है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के हवाले से वो कहते हैं कि किसी एक की गुस्ताखी करना भी हराम है। तो इस हवाले से हम उससे जो है अकीदत रखते हैं कि इस हवाले से उनकी खिदमत बड़ी अच्छी है। उन्होंने अपने किसी बयान में उनसे सवाल हुआ और उनसे पूछा गया कि गैरुल्लाह के नाम पर, बाद हजरात कहते हैं बल्कि कुरान पाक कहता है कि गैरुल्लाह के नाम पर जो भी दिया जाए वो नाजायज और हराम है। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं यानी अल्लाह के नबी हैं या आले रसूल हैं ये गैरुल्लाह नहीं है। गैरुल्लाह अल्लाह के दुश्मन को कहा जाता है, जबकि ये बात अरबी की लुगत के हिसाब से सरासर गलत है। गैरुल्लाह अल्लाह के दुश्मन को नहीं कहा जाता, गैर के माना दुश्मनी के नहीं आती। आपको अल्लाह पाक ने महरम को देखने की इजाजत दी है और गैर महरम को देखने की इजाजत नहीं दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो गैर महरम है वो आपके महरम की दुश्मन है, इसका मतलब ये नहीं है। या दूसरी मिसाल ये ले लें कि गैर नबी को नबी कहना कुफर है, गैर नबी को नबी कहना, नबी का दर्जा देना ये कुफर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गैर नबी से मुराद नबी का दुश्मन है। गैर नबी से मुराद वो है जो नबी नहीं है, फिर वो नबी की औलाद ही क्यों ना हो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, हम कहते हैं 11 बेटे नबी नहीं थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे, तो वो जो 11 बेटे नबी नहीं थे वो सब गैर नबी हैं, बल्कि याकूब अलैहिस्सलाम के गैर तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हैं, लेकिन इनकी नबूवत अलग से। बाकी जो 11 बेटे थे वो अपने बाप के या अपने भाई के शुरू में तो उन्होंने दुश्मनी की, लेकिन आखिर में फिर वो उनकी सुलह हो गई, लेकिन वो दुश्मन तो नहीं कहलाए जाएंगे। इसी तरह गैरुल्लाह अल्लाह के दुश्मन को नहीं कहा जाता। गैरुल्लाह हर वो जो अल्लाह का गैर हो, अल्लाह की जात के अलावा कोई भी शख्सियत हो, वो सब गैरुल्लाह में आती हैं। और गैरुल्लाह के नाम पर जब आप कोई भी, फिर आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं अपने उर्फ के एतबार से, मुआशरे के एतबार से, आप उसको खैरात कह दें, सदका कह दें, न्याज कह दें, नामों से कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जो चीज अल्लाह की राह में दे रहे हैं वो खालिस अल्लाह की रजा के लिए हो। और इस पर यह तो शरई बात हो गई, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात करना चाहूं कि हमारे यहां अगर कोई खैरात की जाती है या किसी को ईसाले सवाब किया जाता है तो उसका तरीका बड़ा गलत है। हम एक देग मंगवाते हैं जो कि 50-60 लोगों की होती है, वो देग हमारे घर में आती है, हम कहते हैं कि ये देग हमारे वाले साहब के ईसाले सवाब के लिए हो। अब उस देग में क्या होता है, देग घर में आ गई, उसमें से 10 बंदों का खाना अपने घर के लिए चला गया, अपने ही घर के लिए जो हमारा घर है, बाकी अगर कोई गरीब आ रहा है तो उसको हम एक एक प्लेट भर के दे रहे हैं, यहां पर मामू आ गए तो वो बड़ा वाला बड़ा थाल लेंगे उसको भर के देंगे, फिर चाचू आ गए, फिर कोई अच्छा दोस्त आ गया कि यार मुझे भी, तो उसको भी जो है बड़ा वाला थाल भर के देंगे। इस तरह से ही सारे सवाब नहीं होता। आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि उस शख्स को खिलाना जो मुस्तहिक है, जो दो वक्त की रोटी नहीं खाता, ये ज्यादा सवाब का काम है या उस शख्स को खिलाना जिसकी 50,000 रुपए की सैलरी आती है एक जगह से, जिसका घर का राशन पानी घर में भरा हुआ है, उसको खिलाना ज्यादा सवाब है? जाहिर सी बात है जिसको दो वक्त का खाना नहीं मिलता अगर आप उसको खिलाएंगे तो आपको सवाब ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसको खिलाने से अगर आप पूरी देख करवा के गरीबों के मोहल्ले में ले जाएं वहां बांट दे तो मसला ये होता है कि रिश्तेदारों को पता कैसे चलेगा कि हमने देख उतरवाई है। मसला ये हमें मारता है कि रिश्तेदारों को कौन बताएगा, जबकि हमने वो अमल अल्लाह की रजा के लिए करना था, लेकिन क्योंकि हम दिखावे करने में होते हैं। इधर नसीम नगर के मेरी दुकान है, कुछ दिन पहले की बात है कि एक बंदे ने जो है देग बनवाई और उसके बाद छोटी छोटी थैलियां जो है बिरयानी की, उसने हमारे मार्केट का ही बंदा, वो मार्केट में वो देग लेकर आया और उसने सबसे आके मुझे पहले मुझे कहा कि जो है ना मैंने देग उतरवाई, तो आप जो है ना मार्केट वालों को बताएं
ये आके लेना शुरू कर दें। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको उस टाइम एतराज वगैरह नहीं किया, मैंने कहा फिर बहस वगैरह शुरू हो जाएगी, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं ना खुद गया ना जो है मैंने अपने किसी बंदे को भेजा। थोड़ी देर के बाद जो वो बांट रहा था उसके सामने सारे के सारे मार्केट वाले बंदे जो दो तीन चार बजे रोजाना अपना खाना खाते हैं, वो सारे के सारे जो है एक एक बंदा दो दो थैलियां लेकर तीन तीन थैलियां लेकर वहां से जा रहे हैं। और सब जो है जबकि उनके खाने का टाइम भी नहीं था, वो सब उसी वक्त घर से नाश्ता करके आए थे लेकिन लेके चले गए। बाज ने उसी वक्त खाया और बाज ने उस वक्त खाया जब खाने का टाइम आता है। और जब कोई मांगने वाला जो मांगते हैं, हालांकि मैं इनके भी खिलाफ हूं, जो मांगने वाले आते हैं ये सारे जो है इनमें से अक्सर पे तो ज़कात फर्ज होती है, इतने इनके पास होता है। लेकिन अगर कोई गरीब उसके पास आया उसके बाद तो तब तक वो खत्म हो चुका था, अब उनके लिए है ही नहीं। अब वो जिन्होंने उनसे जो है पार्सल लिए या थैलियां ली, क्या वो इस हैसियत के नहीं थे वो खुद खा सकते थे? वो सब खुद भी खा सकते थे, लेकिन अब इस पर ये एक आता है कि जो है ना सवाब की नीयत से खाओ, सवाब की नीयत से खाओ, सवाब की नीयत से वो गरीब हक जो है सारा खा गए सवाब की नीयत से। तो ये हमारे मुआशरे के अंदर जो है बहुत गलत चीज है, क्योंकि हम लोगों को दिखाने के लिए सदका देते हैं या खैरात करते हैं, इस वजह से जो है अब मस्जिद में अगर किसी ने चंदा देना हो तो वो मस्जिद के डब्बे में नहीं जाता, वो अपना नाम एंट्री करवाता है कि भाई मेरे नाम लिखो सबसे ऊपर 5,000 रुपए मैं मस्जिद में महाना दूंगा, मेरा नाम लिख दो। आपने देना है मस्जिद के डब्बे में डाल दो, नहीं नाम लिखवाना है। अगर थोड़ा देगा 100 रुपए देगा वो कभी नाम नहीं लिखवाएगा, वो मस्जिद के डब्बे में डाल के चला जाएगा। लेकिन जो 5,000 रुपए देगा वो मस्जिद में जो है वो नाम लिखवाएगा अपना अलग से कि मेरा नाम लिखो, सबसे ऊपर लिखना मेरा नाम, सबसे ज्यादा मैं देता हूं। तो ये हमारे जो अल्लाह के लिए करते हैं ये अल्लाह के लिए नहीं होता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि जिसने किसी शख्स को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने किसी को दिखाने के लिए सदका दिया उसने शिर्क किया, जिसने किसी को दिखाने के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया। तो हम नमाज पढ़ते हैं और आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन बैठे थे और दज्जाल का तस्करा कर रहे थे कि दज्जाल आखिरी जमाने में आएगा, किस तरह का होगा, कैसी उसकी जो है ताकत होगी और किस तरह जो है वो लोगों को गुमराह करेगा। तो वो तस्करा चल रहा था, आप अलैहिस्सलाम आए और सहाबा से पूछा कि आप किस चीज का तस्करा कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह हम दज्जाल का तस्करा कर रहे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं क्या तुमको ऐसी चीज नहीं बताऊं जो दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक है? सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह आप जरूर बताएं। कहा कि अगर कोई शख्स नमाज की नीयत बांधे, वो नमाज की नीयत बांधकर नमाज पढ़ रहा है और उसके बाद उसने महसूस किया कि फलां शख्स मुझे नमाज पढ़ते हुए देख रहा है और वो देख रहा है इस वजह से वो अपनी नमाज को लंबा कर दे, फरमाया कि ये नमाज दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस नमाज के अंदर वो अल्लाह की रजा के लिए नमाज नहीं पढ़ रहा, अब अल्लाह की रजा उसके लिए मकसूद नहीं है, अब उस बंदे की रजा उसके लिए मकसूद हो गई कि ये राजी हो जाए, ये मेरी तारीफ करने वाला बन जाए कि यार हाजी साहब बड़ी जबरदस्त नमाज पढ़ते हैं। इस तरह की नमाजें, उलमा ने यह मसला लिखा है कि अगर इमाम नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ा रहा है और मुक्तदी पहली सब इमाम महसूस करता है, अगर इमाम रुकू में जाएगा ना तो हम नमाज पढ़ाते हैं, हमें महसूस होता है कि कोई मतलब जो है ना, अगर कोई बंदा भाग भाग के अगर रुकू में आ रहा है ना तो इमाम महसूस कर ले रहा है उस चीज को कोई आ रहा है। अगर इमाम रुकू के अंदर है और वो अपनी तस्बीह पढ़ रहा है सुभान रब्बियल अज़ीम, वो तस्बीह पढ़ रहा है और उसकी नीयत ये कि मैं तस्बीह 5 मरतबा पढ़ूंगा या 3 मरतबा पढ़ूंगा, अब उसने महसूस किया कि एक बंदा आया उसने अल्लाहु अकबर कहकर खड़ा हुआ और उसके बाद जो है वो रुकू में जाने की कोशिश कर रहा है, उसके रुकू के जाने से पहले अगर इमाम उड़ गया तो उसकी रकात निकल जाएगी। अगर इमाम इस नीयत से कि इस बंदे को रकात मिल जाए अपनी तस्बीह को बढ़ा दे, बाज उलमा लिखते हैं कि गुनाह कबीरा है और बाज उलमा लिखते हैं कि इस इमाम ने कुफर कर लिया। क्यों? क्योंकि इसने अपना ध्यान अल्लाह की जात से हटाकर अपने मुक्तदी के आगे कर लिया और इसने अपने मुक्तदी की वजह से नमाज को तवील किया है। तो इसी तरह हमने अगर कोई भी अमल करना है, हमने अगर कोई भी काम करना है
तो आप कोशिश करें, अगर आपके दिल में यह बात आती है तो आप कोशिश ये करें कि उस काम को उस वक्त में करें कि जिस वक्त आपको ना कोई देख रहा हो ना कोई सुन रहा हो, और उस काम करने के बाद आप उसका तذکرہ भी किसी के साथ ना करें कि मैंने ये फला काम किया था। बाज लोग जो है आम दिनों में रोजा रखते हैं पीर और जुमेरात के, तो पूरे मोहल्ले को पता है कि पीर और जुमेरात का हजरत साहब रोजा रखते हैं। रखना अच्छी बात है, आपने सलाम पीर और जुमेरात का रोजा रखा करते थे, लेकिन उसको लोगों को दिखाना नहीं है। आप पीर और जुमेरात का रोजा रखते हैं, अगर आप चाहें तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। आपको अगर कोई खाने के लिए पेश करा तो आप ये कह दें कि जो ना बस मुझे तलब नहीं है।